अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाजिर हुआ हूँ इम्पेज सीरीज़ का सबक नंबर 28 के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट मेनू के डॉक्यूमेंट्स गाइड और डिफाइन कलर के बारे में। यानी अगर आप कुछ मैटर वगैरह, कुछ मजामीन वगैरह तैयार कर रहे हैं या कुछ किताब आप तैयार करना चाहते हैं जो आप पोर्ट्रेट में या A4 साइज़ में टाइप किए हुए हैं और उसका साइज़ आप पेज का साइज़ बदलना चाहते हैं या उसको लैंडस्केप में करना चाहते हैं, तो क्या हमको फिर से नए सिरे से पेज लेकर के मैटर तैयार करना होगा या उसी को हम दूसरे में, जिस पेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इसमें इमपेज में पहले से कलर ऐड है, उसके अलावा आप अपने मन के मुताबिक कोई दूसरा कलर ऐड करना चाहते हैं जिससे आप अपने फॉन्ट को कलर करना चाहते हैं, तो वो कैसे किया जाता है, तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इमपेज ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पेज पहले से मौजूद है। अब हम इसको टाइप किए हुए हैं A4 साइज में, जो कि हमारा पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या नए सिरे से हमको एक नया पेज लेकर के उसके बाद फिर वहाँ लैंडस्केप में लेकर के फिर से टाइप करना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसा कि आप देखते हैं कि जब आप नया पेज लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का, और फिर यहाँ पे पेज साइज का ऑप्शन दिया रहता है कि किस तरह का पेज आप तैयार करना चाहते हैं, A4 साइज में, A3 में, A5 में, जो भी साइज आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट किस में आप बनाना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, मैटर तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो क्या अगर हम कोई मैटर तैयार कर चुके हैं जो कि A4 साइज में है और पोर्ट्रेट में है, इसको हम लैंडस्केप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या A3 साइज पेज करना चाहते हैं, तो नया पेज लेना पड़ेगा? तो चलिए हम करके दिखाते हैं कि फिर से उस मैटर को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से नया पेज लेकर के और उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी के साथ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट मेनू में डॉक्यूमेंट्स कमांड पे जाएंगे। यहाँ भी वही ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप न्यू पेज लेते हैं तो जो ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देता है कि पेज का साइज कौन सा होना चाहिए, A4 में करना चाहते हैं, A3 में करना चाहते हैं, A5 में करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फिर से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से विड्थ और हाइट वगैरह में कुछ इजाफा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में करना चाहते हैं, तो वो भी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, अभी पोर्ट्रेट में हम इसको लैंडस्केप में आपको करके दिखाते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, ये हमारा पेज लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया है। अब फिर से इसको हम पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसे इसी तरीके से अगर आप पेज में डबल कॉलम या तीन कॉलम में कुछ करना चाहते हैं, कॉलम बना करके आप लिखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से दोबारा ऐड कर सकते हैं, नया पेज ले करके फिर नए सिरे से काम करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गाइड्स। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आसानी के साथ यहाँ से कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से भी हम गाइड लेकर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही ऑप्शन वहाँ पे भी दिया हुआ है कि यहाँ से भी आप लेकर के जितने यहाँ पे सेट करना पड़ता है कि आप कितने दूरी पे गाइड रखना चाहते हैं। जैसे देखिए, हम ये दो गाइड सेट किए हैं तो यहाँ पे मिलीमीटर में उसकी दूरी आ गई है कि आप कहाँ पे ये गाइड रखना चाहते हैं। ये आप आसानी के साथ बाहरी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है स्टाइल शीट, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि काफ़ी अहम है। उसके बाद है डिफाइन कलर, यानी जैसा कि अभी हमारे पास टेक्स्ट है, इसमें हम कोई कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे जितना कलर दिया हुआ है, इसके अलावा हम कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं जो हमें इसमें से पसंद नहीं है, इसके अलावा हम अपनी पसंद का कलर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? तो वो भी आसानी के साथ इस डिफाइन कलर में जाकर के कर सकते हैं। रेड कलर कर दिए हैं लेकिन हमको ये कलर पसंद नहीं है, और इसके अलावा जो भी इसमें कलर है वो भी पसंद नहीं है, हम अपने पसंद का कलर बनाना चाहते हैं, तो डिफाइन कलर में जाएंगे और जैसे यहाँ पे देखिए आ गया है। अब जैसे हम ये न्यू पे क्लिक करेंगे,
अब यहाँ पे कई ऑप्शन है, क्लोज, हेल्प, रिमूव, मॉडिफाई, यानी जो कलर ऑलरेडी आपके पास है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये रेड है, रेड को हम थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं या हल्का करना चाहते हैं तो ये मॉडिफाई में जाकर के कर सकते हैं, या रेड को हम यहाँ से बिल्कुल डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव में जाकर के डिलीट कर देंगे, खत्म कर देंगे, फिर उसमें हमारा रेड कलर नहीं आएगा। उसके बाद न्यू, न्यू ये सबसे अहम है। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमको नाम सेव करने का ऑप्शन आएगा कि आप जो कलर बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए नाम के लिए आ गया ऑप्शन। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं रेड डार्क, जैसे हम यहाँ पे डाल दिए हैं रेड डार्क। अब जैसे हम ओके करेंगे कलर हमारे सामने खुल करके आ जाएगा कि आप कौन सा कलर बनाना चाहते हैं। ये देखिए कलर हमारे पास आ गया है। अब जैसे हमारे पास ऑलरेडी रेड सिलेक्ट किया हुआ है तो हम कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बनाना चाहें। तो हम यहाँ से देखिए रेड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम डार्क करना चाहते हैं, रेड डार्क, तो हम रेड डार्क यहाँ से जिस तरीके का भी आपको कलर बनाना हो यहाँ से डार्क और हल्का आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से हम रेड डार्क कर लेते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए रेड डार्क हमारे इसमें कलर बन करके आ गया है। अब ये कलर को हम आसानी के साथ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी आ गया, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे रेड डार्क आ गया होगा। ये देखिए रेड डार्क कलर यहाँ पे आ गया है। तब इसके जरिए से हम आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको रेड डार्क कर दिए। और भी दूसरा कलर, जो भी कलर आप बनाना चाहें यहाँ से आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर बना हुआ है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा कि सियान है, ग्रीन है, इसको और डार्क करना चाहते हैं तो ये मॉडिफाई में जा करके कर सकते हैं। जैसा कि मैं ग्रीन को देखिए मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, ग्रीन अभी जो पहले से कलर था वो ये है, इसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे और डार्क करना चाहते हैं या और लाइट करना चाहते हैं तो इसको ऊपर करके हम जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए ग्रीन जो पहले से था यहाँ पे वो अब चेंज हो गया है, यानी इसको मॉडिफाई में जाकर के आसानी के साथ कर सकते हैं। जो भी कलर है इसको रिमूव करना चाहे तो आसानी के साथ कर सकते हैं, इसको और मॉडिफाई करना चाहे तो वो भी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये बात हम याद रखिए कि जो भी कलर आप नया बनाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ उसी पेज के लिए खास रहेगा। जैसे आप उसको सेव करके क्लोज कर देंगे तो जब भी आप पेज खोलेंगे वो पेज खोलेंगे, जैसा कि अभी हमारे पास ये पेज है, जब हम ये पेज खोलेंगे तो ये हमारे पास कलर आएगा। बाकी अगर आप न्यू पेज लेकर के कुछ काम करते हैं या कोई पहले से पेज हमारा बना हुआ उसको ओपन करते हैं तो उसमें ये सब कलर नहीं आएगा, बल्कि जो कलर इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है बस उतना ही उसमें भी दिखाई देगा। ये नया कलर सिर्फ उसी पेज के साथ खास होता है जिस पेज को खोल करके जिसके लिए आप वो कलर आप बना रहे हैं। जो भी कलर आप अपने मन के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं आसानी के साथ वो बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामुअलैकुम।